मरहबा दोस्तों, क्या आप विंडोज 10 और पॉप ओएस ड्यूअल बूट करना चाहते हैं? जी हाँ, ये बहुत आसान है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और आप विंडोज 10 से पॉप ओएस में बूट करेंगे, ना ही पॉप ओएस से विंडोज 10 में, तो हमारा विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें हम कंप्यूटर में हम पॉप ओएस भी डाल सकेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि दोस्तों, जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम इंस्टॉल करते हैं उसमें एक बूट लोडर होता है ग्रब 2, जो विंडोज के बूट लोडर को ओवरराइट कर देता है। तो हम फिर वो लाइन ग्रब से हम विंडोज में बूट करते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने विंडोज का बूट लोडर को वैसे ही रखूं और मैं विंडोज से लिनक्स को बूट करूं। और इसमें ये भी फायदा है कि मैं कभी भी चाहूं तो मैं ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉप ओएस को हटा सकता हूं और मेरा बेस ओएस जो विंडोज है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हिम्मत की, क्योंकि हाँ, ये थोड़ा सा पेचीदा है पर मेरे तरीके से आपको आसान हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने विंडोज़ का बैकअप ले लें। मेरा विंडोज़ सिस्टम भी बहुत क्रिटिकल था, तो मैं विंडोज़ ओएस इंस्टॉलेशन को नहीं खोना चाहता था। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगा एक स्पेयर कंप्यूटर, जो मैं क्यों वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और तीसरा जो है वो मेरा हिकमत। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ वक्त ज़ाया किए हुए आगाज़ करते हैं। हमारे कंप्यूटर के बायस में जाके सिक्योर बूट को डिसेबल कर देना है। आप देख रहे हैं मेरा कंप्यूटर का बायस, जहाँ पे मैंने सिक्योर बूट को डिसेबल कर दिया है और लेगेसी सपोर्ट को इनेबल मैंने रखा है। मेरे पास UEFI और लेगेसी दोनों हैं, क्योंकि मेरा विंडोज लेगेसी पे था, इसी के लिए मैंने लेगेसी पे रखा है। विंडोज R दबाकर हम विन वर मारेंगे तो हमें विंडोज का वर्जन, जो मैं रन कर रहा हूँ, वर्जन 2004 में 2020 अपडेट है। अब मैं आप लोगों को डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद, वहाँ पे हमारा कौन सा डिस्प्ले अडाप्टर है मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो है, अब डिस्प्ले अडाप्टर को एक्सपैंड करेंगे तो मेरे पास इंटेल HD 4000 ग्राफिक्स है। ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये करना है। अगर आपके पास इंटेल का है तो आपको इंटेल का पॉप ओएस डाउनलोड करना है, अगर इंटेल या AMD का है तो इंटेल वाला करना है, और अगर एनवीडिया का है तो उसके लिए पॉप ओएस का डाउनलोड अलग सा रहेगा। क्योंकि मेरे पास इंटेल का है, इसी के लिए मैं इंटेल का दिखा रहा हूँ। आप लोग भी ये डिवाइस मैनेजर पे जाके देख लेना। अब हम डिस्क मैनेजमेंट खोलेंगे। डिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे आप मेरा ई ड्राइव, जहाँ पे 100 GB फ्री है, और मैं यहीं पे पॉप ओएस इंस्टॉल करूंगा। तो उसे तैयार करने के लिए मैं राइट क्लिक करके इसे डिलीट वॉल्यूम कर देता हूँ और पूछेगा यस। मैं बोलूंगा यस, यहाँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के बाद ये फ्री स्पेस हो गया, जो पॉप ओएस के इंस्टॉलेशन में एज एन अनअलोकेटेड स्पेस दिखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। आप लोग भी ऐसा कोई जगह ढूंढ लेना जहाँ पे आप पॉप ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम पॉप ओएस को डाउनलोड करेंगे। पॉप ओएस के डाउनलोड पेज पे चलते हैं। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद जब डाउनलोड का लिंक खुलेगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्लू बटन है जो डाउनलोड है इंटेल के लिए, और जो उधर पे डाउनलोड एनवीडिया लिखा है आप लोगों को एनवीडिया। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरे पास इंटेल का ग्राफिक्स है। और यहाँ पे देखिए, डिसेबल सिक्योर बूट इन योर बायस टू इंस्टॉल पॉप ओएस। इसी के लिए मैंने आप लोगों को बायस का दिखाया था। क्योंकि मेरे पास इंटेल का है तो मैं पॉप ओएस आईएसओ इमेज डाउनलोड करूंगा। अगर आपके पास एनवीडिया का कार्ड है तो आप एनवीडिया वाला डाउनलोड, और मैंने डाउनलोड पहले से ही कर लिया है, तो आप हम तब मिलेंगे जब हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। मैं चॉकलेटी के मदद से रूफस इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया और मैं लिखूंगा चौको सर्च फॉर रूफस। अगर आप लोग के पास चॉकलेटी नहीं है विंडोज के लिए तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए चॉकलेटी इंस्टॉल रूफस, और मैं फ्रंट स्लैश वाई दे दूंगा। तो मैंने अग्री कर लिया। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, मुझे किसी वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है और मेरा डाउनलोड ऑटोमेटिकली कमांड लाइन से भी हो गया। अब हमारा डाउनलोड हो गया। अब मैं इसे रूफस को खोलने के लिए सिर्फ यहाँ पे टाइप करूंगा RUFUS रूफस। चलो भाई उठ जाओ, और रूफस उठ के हमारे सामने आ गया। देखा दोस्तों, कितनी हैरानंगेज बात है। तो चॉकलेटी आप लोग प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना, नहीं है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना रूफस को। अब मैंने अपना USB इंसर्ट कर दिया, वहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा डिवाइस, और मैं सेलेक्ट करूँगा पॉप ओएस जो डाउनलोड हमने इंटेल का किया है। वहाँ पे देखिए AMD 64 इंटेल 11 ISO। और हमारा पार्टीशन स्कीम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, MBR में ही रहना चाहिए। टारगेट सिस्टम बायस और UEFI। और अब हम इसे बर्न करेंगे, बोलेगा वार्निंग, ठीक है कोई बात नहीं। और हमें पार्टीशन स्कीम एंड टारगेट सिस्टम को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख लेना, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका MBR सिस्टम है तो, जैसे मैंने पहले ही बताया है, ये वीडियो मैं
बना रहा हूँ लेगेसी सिस्टम्स के लिए, एमबीआर सिस्टम्स के लिए जिसको मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं, और यूईएफआई के लिए नहीं है। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन, अब हमारा बूटेबल डिस्क बन गया। अब मैं अपने कंप्यूटर में ये यूएसबी को डालूंगा और इससे मैं बूट करूंगा, हमारा पॉपओएस से बूट करूंगा। अब मैं आप लोगों को बाहर से दिखा रहा हूं क्योंकि इसे तो मैं अब कर नहीं सकूंगा। तो आप मेरा, अब मैं ये यूएसबी को डाल रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा 2.5 किलो का हाथ और मैंने इसे यूएसबी को सिस्टम पे प्लग इन कर दिया और मैं इस सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद हम बायस में जाएंगे, बायस में नहीं जाएंगे, हम इसे रिस्टार्टअप मेन्यू में जाएंगे, मैं F9 दबाऊंगा, बूट डिवाइस ऑप्शंस में जाएंगे। F9 दबाने के बाद हम इसे सैंडिस्क से बूट करेंगे। तो पहले आप लोगों को ऐसा दिखेगा, उसके बाद दिखेगा पॉपओएस का इंस्टॉलेशन स्क्रीन, पॉपओएस को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद ये मैं इसे इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लिश ठीक है, कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश सही है। अब हम इसे कस्टम एडवांस इंस्टॉल करेंगे, चलिए। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं इस स्क्रीन को जूम करूंगा और ब्राइटनेस भी बढ़ा दूंगा। मॉडिफाई पार्टीशन करें, क्योंकि हमें पार्टीशन जो दिख रहा है इससे इंस्टॉल नहीं होगा। ये स्क्रीन आपने पहले ही देखा है, देखो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा 100 GB अनएलोकेटेड स्पेस है जो जहां हमने विंडोज से फॉर्मेट किया था, यहीं पे ही हमें इंस्टॉल करना है। और हमें बायस MBR में लेगेसी सिस्टम में पॉपओएस को इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीशन चाहिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब हम इसे राइट क्लिक करेंगे, हटा के देख लेता हूँ, देखिए पीले में है और वहाँ पे एक अनयूज्ड है, वहाँ पे 100 GB का बोल रहा है, ठीक है। तो ये अनएलोकेटेड स्पेस में ही हमें काम करना है, तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और सेलेक्ट करूँगा न्यू, और यहाँ पे न्यू साइज में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 100 है तो मैं 92 GB दे देता हूँ मेरा बूट पार्टीशन को। तो मैं 94208 कर दिया मैंने, दैट इज 1024 × 92, तो 94208 आएगा। और इसको मैं ऐड करूंगा, फाइल सिस्टम EXT4 रहना चाहिए और क्रिएट एज लॉजिकल पार्टीशन चलेगा, कोई बात नहीं है। तो लॉजिकल पार्टीशन करके मैंने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आप वहां पे देखेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा नीचे टान लेता हूं तो वहां पे देखेंगे न्यू पार्टीशन नंबर 1 जिसका फाइल टाइप है EXT4 92 GB का बन गया। और ये अब अनएलोकेटेड स्पेस है, इसे मैं राइट क्लिक करके न्यू बोलूंगा, जिसे सिर्फ मैं लिनक्स स्वैप बनाऊंगा। तो 1024 × 8 इज 8192, मेरे पास 4 GB का रैम है, मैं डबल साइज देता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, मैं यही सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसे लिनक्स स्वैप करूंगा और मैं इसे ऐड करूंगा। अब ये अभी तक लिखा नहीं है, जब तक कि ना हम लोग ऊपर वाले ग्रीन बटन पर दबा के उसे टिक करें। तो हमने दबाया, डू वांट टू अप्लाई, मैंने किया अप्लाई, और अब ये ऑपरेशन को एक्चुअली में ये पार्टीशन को बना रहा है। अब ही हमारा डिस्क मॉडिफाई हुआ, अब तक मॉडिफाई नहीं हुआ। अगर आपको कुछ मिस हो जाए तो वहाँ पे वो ऊपर वाला रेड बटन क्रॉस वाला दबा देंगे तो वो नहीं होगा। हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और ये स्क्रीन जब फिर से लोड होगा तो वहाँ पे हम देखेंगे हमारा EXT4 और लिनक्स स्वैप पार्टीशन जहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे पॉपओएस। तो ये हमारा EXT4 रहा जहाँ पे हमारा ये रहेगा लिनक्स स्वैप। अब ये स्क्रीन भी फिर से रिफ्रेश होगा, यहाँ पे आप देखिए You must at least select a root partition. It is also recommended to select a swap partition. तो इसने जो guidelines मुझे बताया मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। अब हमारा green and red आ गया, तो green में हमारा रहेगा root partition, उसे मैं क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा use partition, use partition करने के बाद safe site के लिए मैं इसे format कर दूंगा and use as root करूँगा। file system EXT4 बाहर मैंने क्लिक कर दिया तो वो select हो गया, और उसे फिर swap वाले को मैंने select किया use partition और use as swap। फिर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो भी वैलिडेशन चेक पास कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसे राइट इसे क्लिक करेंगे इरेज एंड इंस्टॉल। अब ये पार्टीशन बनाकर पॉप ओएस इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही ट्रिवियल स्टेप है, जो प्रॉब्लमेटिक स्टेप था, जो बहुत ही पेचीदा स्टेप था, वो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया पार्टीशन। अब ये पॉप ओएस आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये स्क्रीन को मैं काफ़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ इंस्टॉल करते वक्त क्या होगा कि आप लोगों को पूछेगा कि एक बार आप लोगों को सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और वीडियो क्वालिटी का दोस्त बर्दाश्त कर लेना क्योंकि मैं ये दूसरे कैमरा से कर रहा हूँ। तो मैंने उसे शट डाउन मारा और फिर से रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद पॉप ओएस का स्क्रीन फिर से आया, मुझे विंडोज़ तो नहीं देखा। आप लोग भी सोच रहे होंगे हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन कहाँ गया, पहले हम पॉप ओएस इंस्टॉल तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम विंडोज़ को वापस लाएंगे। ऊपर का नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा और मैं इंस्टॉल करूंगा। तो मैंने नेक्स्ट दबाया,
सेलेक्ट की इंग्लिश यूएस ठीक है, वो उसी को मैं रखूंगा, या वाईफाई मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फ्रीडम ठीक है, प्राइवेसी को मैंने लोकेशन सर्विसेज को बंद कर दिया और नेक्स्ट दबाया, टाइम जोन उसने सही से पिकअप कर लिया है कहाँ पे मैं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट दबाया, क्रिएट कनेक्ट या ऑनलाइन अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स है दोस्तों, मैं इतना सारा अकाउंट्स तो नहीं करूँगा, मैं ये सब अकाउंट्स को अभी स्किप कर लेता हूँ। और अबाउट यू, अब मेरा नाम और यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है हिकमत उस्ताद, मैं टाइप कर देता हूँ हिकमत उस्ताद। अगर फिर से आप लोगों को मेरा 2.5 किलो का हाथ दिख रहा है और हिकमत उस्ताद यूज़र नेम मैंने दे दिया हिकमत उस्ताद, और नेक्स्ट दबाया पासवर्ड, फिर मैं जल्दी से पासवर्ड भी डाल देता हूँ, और पासवर्ड डालने के बाद मैंने कन्फर्म कर दिया और मैं नेक्स्ट दबा के ये ऑल डन, दैट्स इट, और हमारा पॉप ओएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यस, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्लीटली फंक्शनल पॉप ओएस का इंस्टॉलेशन है। एक मैं ब्राउजर खोल के, फायरफॉक्स खोल के, मैं आप लोगों को एक वेब पेज खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख जाए कि हाँ इस ये बिल्कुल चल रहा है, मेरा वाईफाई वर्क कर रहा है। मैंने रेडिट का पेज खोल दिया और रेडिट का पेज जब लोड हो जाएगा तो आप वहाँ देखेंगे कि यस, ये पॉप ओएस बिल्कुल चल रहा है। पर ये तो पॉप ओएस इंस्टॉल हो गया, और हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन है कि नहीं है वो तो हमें देखना पड़ेगा कि वो रहा कि नहीं रहा। और ये हमारा मेरा वीडियो क्या है कि हम डुअल बूट कर रहे हैं, तो अब मैं इसे शट डाउन करूंगा पावर ऑफ, और मैं इसे पावर ऑफ करके फिर से मैं हार्ड बटन दबा के जब मैंने रीस्टार्ट किया तो वहां आप देखेंगे पॉप ग्नू लिनक्स है और विंडोज का कोई नामो निशान नहीं है। तो देखा दोस्तों, हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन चला गया। घबराने की कोई बात नहीं है, वो इंस्टॉलेशन को मैं वापस लेके आऊंगा। वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, इसी के लिए मैंने बोला था कि आपके पास एक स्पेयर सिस्टम होना चाहिए। तो मैं दूसरे सिस्टम पे फिर से रूफस का इस्तेमाल करके मैं अपना विंडोज 10 जो ISO है 64, फिर मैं उसे बर्न करूंगा। अगेन मैं पार्टीशन स्कीम MBR लूंगा और टारगेट सिस्टम मैं BIOS लूंगा। तो आपका जो भी विंडोज इंस्टॉलेशन है उसी का ही आपको ISO चाहिए, या मैं बोल रहा हूँ शायद जरूरी नहीं है उसी का ही चाहिए, आप लेटेस्ट भी ले लेना तो उसमें MBR को ठीक करने की सिस्टम्स होगी। तो ये हमारा हो गया, अब मैं इसे फिर से USB में, ये मैं दूसरे सिस्टम पे हूँ, वो सिस्टम तो हमारा विंडोज चला गया, तो ये मैं विंडोज, आप पूछेंगे कहाँ से, ये मेरा दूसरा सिस्टम है। तो मैं इसे फिर से मैं अपने USB को जो पहले लिखा हुआ था पॉप ओएस से, अब मैं फिर से वापस से विंडोज 10 से मैं बूटेबल USB बना रहा हूँ। तो हमारा बूटेबल USB बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से अपने उसी सिस्टम पे जिसे जिस पे हमारा विंडोज था और अब पॉप है, जिसमें हमारा विंडोज चला गया, तो उसमें ही हम डाल के फिर से बूट करेंगे हमारे इस USB से। तो कंप्लीट हो गया, अब हम फिर से इसको लगाने के बाद बूट कर रहे हैं। वहां पे हम गए, फिर से देखिए बूट डिवाइस ऑप्शंस में मैंने मारा और मैं अपना सैंडिस्क से नीचे आके बूट करूंगा, जो मेरा USB का ड्राइव है उसका नाम है सैंडिस्क। तो अब हो गया बूट फ्रॉम USB, मैंने दबाया की और हमारा विंडोज सिस्टम अब USB से बूट करना चाहिए। यस, आ गया हमारा विंडोज सिस्टम USB से। जब आप इस पे, आपको इंस्टॉल नहीं करना है, जब आप इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे क्लिक कर देना नेक्स्ट, और जब नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको क्लिक करना है रिपेयर योर कंप्यूटर पे। रिपेयर योर कंप्यूटर के बाद नीचे आप लोगों को वहां पे दिखेगा ट्रबल शूट का ऑप्शन, ट्रबल शूट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 3 कमांड डालना है जहां जिससे हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन वापस आ जाएगा। तो वो क्या क्या है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बूट रेक, बूट रिकॉर्ड फ्रंट स्लैश फिक्स FIX MBR, फिक्स MBR, तो बूट रेक प्लीज फिक्स MBR, तो वहां पे ऑपरेशन कंप्लीट है सक्सेसफुली। फिर से मैं लिखूंगा, अब मैं अप एरो दबा रहा हूँ तो फिर से वो कमांड आ जाएगा, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं। मैंने अप एरो दबाया बूट रेक फ्रंट स्लैश फिक्स बूट, और ये बोला एक्सेस डिनाइड। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा एरर मैसेज आएगा पर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैंने अप एरो दबाया, फिर मैंने कहा बूट रेक फ्रंट स्लैश रीबिल्ड BCD, तो रीबिल्ड BCD, इसे आप फिर से एंटर दबाएंगे तो स्कैनिंग डिस्क फॉर विंडोज इंस्टॉलेशन प्लीज वेट सिंस दिस मे टेक अ वाइल, और हम थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें एक मैसेज आएगा होपफुली के विंडोज इंस्टॉलेशन उसे मिला। और ये काफ़ी टाइम, थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। और हमारे पास हाँ आ गया सक्सेसफुली स्कैन विंडोज इंस्टॉलेशन, टोटल आइडेंटिफाई विंडोज इंस्टॉलेशन 0, ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही बोलेगा पर हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन अब फिक्स हो गया। इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एग्जिट करके फिर से हम USB हटा के नॉर्मल बूट करेंगे। तो
तो इसी के लिए मैंने बोला दोस्तों कि ये आप लोगों को थोड़ा हिम्मत की जरूरत है। यहाँ से मैंने एग्जिट मारा और मैंने अपना टर्न ऑफ योर पीसी मारा। वीडियो क्वालिटी के लिए अपोलोजाइज करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ बेहतर कैमरा लूंगा। ये मेरा मोबाइल कैमरा, मेरे पास कोई कैमरा है नहीं मोबाइल से, ये तो मैंने विंडोज सिस्टम को टर्न ऑन किया और हमारा विंडोज दिख रहा है लोगो ये और यस, मेरा हिकमत उस्ताद का विंडोज इंस्टॉलेशन वापस आ गया। और ये मैंने आप लोगों को कोई हिरपत नहीं किया है कि प्योर हिकमत है, ये मैं दिखाने के लिए आप लोगों को मैं अपना डिस्क मैनेजमेंट में फिर से जाके दिखाऊंगा कि मेरा उसमें मेरा ये पॉप ओएस है कि नहीं है। तो ये एंटी बीकन जब हट जाएगा, ये देखिए ये मेरा कंप्लीट पुराना जो था, अब मैं वापस से आ गया सिस्टम पे और मैंने विंडोज एक्स दबाने के बाद फिर से मैंने डिस्क मैनेजमेंट खोला। डिस्क मैनेजमेंट जब खुल जाएगा तब वहाँ आपको दिखेगा मेरा दो पार्टीशन। यस देखिए यहाँ पे 92 GB प्राइमरी पार्टीशन एंड 8 GB जो मेरा 92 GB का बूट पार्टीशन है, सॉरी रूट पार्टीशन है, एंड 8 GB का स्वॉप पार्टीशन है। तो यहीं पर ही मैंने अपना वही विंडोज इंस्टॉलेशन वापस पा लिया। यस तो हम क्या किया, हमारा विंडोज से हम पॉप में गए, पॉप से वापस विंडोज में आ गए। पर अब हमें क्या करना है, ड्यूअल बूट करना है विंडोज और पॉप को लेके। तो इसे हमें इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक इजी BCD टूल की जो बहुत ही फ्री बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे एड न्यू एंट्री, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ग्रब 2 जो पॉप का बूट लोडर है, और नेम में हम दे देंगे जो हमारा लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है पॉप बैंग अंडरस्कोर ओ एस कैपिटल ओ एस। और ड्राइव कौन से ड्राइव में है, ऑटोमेटिकली लोड एंड लोकेट एंड लोड, और इस पर हमने ग्रीन बटन पे क्लिक कर दिया और वापस हम एडिट बूट मेन्यू में गए। आप देख रहे हैं वहाँ विंडोज 10 एंड पॉप ओएस विंडोज 10 डिफॉल्ट है, और मैं काउंट डाउन फ्रॉम 0 नहीं 10 सेकेंड दे देता हूँ ताकि हमें 10 सेकेंड सेलेक्ट करने का टाइम मिले। तो अब मैंने सेव सेटिंग्स दबा दिया, सेव सेटिंग्स दबाने के बाद हमारा बूट लोडर सेटिंग सक्सेसफुल हो गया। अब हम इस सिस्टम को फिर से रिबूट करेंगे और देखते हैं कि हमारा बूट मेन्यू डुअल बूट आता है क्या। मैं फिर से वापस से अपने फोन कैमरे पे आ गया। वीडियो क्वालिटी के लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैं बाहर से बना रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम से बेटर पोजिशन को। तो दोस्तों सच का सामना अब आने वाला है। अब मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद देखते हैं अब हमारा क्या होगा। रीस्टार्ट करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, बूट हुआ, विंडोज़ लोगो तो पहले ही दिख रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विंडोज़ तो हमने वापस पा ही लिया है, पर देखना है कि पॉप के साथ आएगा कि नहीं आएगा। और यस मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो आप लोगों को, ये डुअल बूट मेन्यू आ गया विंडोज़ एंड पॉप। अगर आप कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाई डिफॉल्ट विंडोज़ जाएगा, मैं पॉप सेलेक्ट करके वहाँ पे एंटर मार देता हूं ताकि हमारा पॉप ओएस बूट हो और आप लोग देख सके कि आप लोगों के पास सिस्टम है विंडोज 10 एंड पॉप ओएस का ड्यूअल बूट, और जिसे आप विंडोज ओएस से पॉप ओएस में बूट कर रहे हैं। तो हमारा विंडोज का यस हमारा हिकमत उस्ताद का स्क्रीन दिख गया, मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ हिकमत उस्ताद का, और डालने के बाद और हमारा यस आ गया। मुबारक हो दोस्तों, यस आ गया मुबारक, हमारा पॉप ओएस आ गया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैंने विंडोज ओएस से पॉप ओएस इंस्टॉल किया, पॉप ओएस जब इंस्टॉल हुआ तो वो उसने विंडोज 10 के मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR को ओवरराइट कर दिया और ये ग्रब करता है, जिसके वजह से हमारा विंडोज का इंस्टॉलेशन खो गया कि मैंने फिर से विंडोज का ओएस से एक बूटेबल USB बनाया। उसे डालने के बाद हमने क्या किया, फिर से तीन कमांड लिखे जिससे हमारा MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड फिक्स हो गया। जब मास्टर बूट रिकॉर्ड फिक्स हो गया तो हमने फिर से विंडोज में बूट किया और फिर इजी BCD के मदद से हमने डुअल बूट बना लिया जिससे हम विंडोज एंड पॉप ओएस डुअल बूट करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का बेस्ट तरीका है कि इसे जितना लाइक करें शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो ने काम काम दिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके वक्त के लिए, फिर मिलते हैं।